अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 01772671115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में 9 राज्यों के हस्तशिल्पकारों के उत्पाद लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। मेले में कश्मीरी पश्मीना शॉल, स्टॉल, साड़ी, मफलर, जैकेट और बैग सहित अन्य उत्पाद भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। 23 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में 9 स्टॉल लगाए गए हैं। कारीगरों के मेले के आयोजक सुधीर शर्मा ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य हथकरघा और शिल्पकारों को एक मंच प्रदान करना है। जो वोल्केनो का एरप्शन हुआ है मिलियंस ऑफ ईयर को, वहाँ का स्टोन है, एक पहाड़ का साइड में एक जंक्शन है, वहाँ से निकाल के तोड़ के मिक्स करके बनाते हैं सेम ऐसा पॉटरी आफ्टर डैट, एंड इसको फायर में डाल सकते हैं और माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं। फायदा इट्स वेरी रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम। और लगभग कितना समय इसको बनाने में लगता है, एक कप की बात? नो, इट्स लाइक हम जब बनाते हैं तो बल्क में बनाते हैं, क्योंकि जो फायर में ओवन, हैंडमेड ओवन, वो वहाँ पर जाएगा तो साथ में जाएगा, लाइक कम से कम 20 डेज तो लग जाएगा सूखने का भी, लाइक अदरवाइज जब बिना सुखाए ये हो जाएगा तो क्रैक आ जाएगा। लगभग कितने समय से आप ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? फॉर लाइक हमारे लोग का तो लाइक 15 to 20 years से बना रहे हैं, और हमारे एल्डर्स लोग तो वहीं का है, वहीं से बना रहे हैं। ये एग्जीबिशन आपने और कहाँ कहाँ लगाई है, क्या विदेशों में भी लगाई है और क्या कहाँ कहाँ? नो, एग्जीबिशन तो यहीं पर है, परंतु हम जो क्राफ्ट का जो ये जब मेला आ जाता है और एग्जीबिशन आ जाता है, हाँ, हमको भी बुलाता है और हम इनवाइट कर, लाइक इनविटेशन आ जाता है तो हम चला जाता है। और कौन कौन सी स्टेट में आपने लगाई है इससे पहले, अगर बात करें दिल्ली या फिर? हाँ, दिल्ली में भी, दिल्ली मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली है, इवन काला घोड़ा है मुंबई का, बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। लोग पसंद करते हैं इस आइटम को? हाँ, बहुत पसंद करते हैं, बट उसको लाइक कन्फ्यूज हो जाता है क्या कि कैसे बनाना है, लाइक आफ्टर व्हेन वी एक्सप्लेन एवरीथिंग पीपल यूज्ड टू बाय अ लॉट। क्या प्राइस इसका रखा गया है, अगर एक कप की बात करें उसके लिए? सर, ये 400 है, 600 है, 800 है और ये 700 है। कश्मीरी शॉल ज़्यादातर पसंद करते हैं, शॉल सूट वगैरह ये सब पसंद करते हैं। सर जी, आपके पीछे डिजाइन है, इसे क्या कहते हैं और क्या हाथों से ये डिजाइन किया? जी सर, ये स्टोल है सर, इसमें चेन स्टिच का काम है सर, पूरा किया गया है सर, चेन स्टिच का काम। लगभग कितना समय जो है, अगर हाथों से ही अगर ये डिजाइन बनाना हो तो कितना समय? तो इसमें लेडीज लोग बैठते हैं, मतलब विंडोज में बर्फ रहती है वहाँ पे, तो अंदर ही बैठते हैं सारे, तो वही एक दो लोग बैठ जाते हैं तो 15 दिन 20 1 महीना में तैयार हो जाता है सर। अब प्राइस इसका क्या रखा गया है? ये सर जी आपको पड़ेगा 4000 का। जी सर, क्या कुछ खासियत इसकी है? इसमें कपड़ा जो है फाइन क्वालिटी का लगा है, प्योर कपड़ा लगा है इसमें सर। इसमें इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपने? और भी है सर, एप्रिकॉट का ऑयल है सर, और शहद है सर हमारे पास, और सलाजीत है, और बाकी सूट्स है, स्टोल्स है, शॉल्स है।
जी सब बुलंद में आएगा सर। और कहाँ कहाँ आपने एग्जीबिशन लगाई है इसके पहले अगर बात करें तो, और स्टेट में जी 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 सर हर जगह पे, लखनऊ में लगाया सर, इंदौर में लगाया है, भोपाल में लगाया सर, और यहाँ पे क्या नाम है इसका, अली इलाहाबाद, इलाहाबाद, बनारस, हर जगह पे लगाते सर जी। मेरा नाम सुधीर गुलेया है और हम इसके प्रमोटर हैं इस इवेंट के। किस तरह का सर इवेंट है, क्या कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं, किस तरह की लोगों की डिमांड्स आ रही है, क्या खासियत है कि लोग आपके यहाँ पर? सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि यहाँ कोई भी ट्रेडर नहीं है, ये सारे कारीगर जो है ये खुद अपने हाथ से जो बनाते हैं वो खुद अपना सामान लेकर आए हैं, इसमें कोई बीच में मिडिल मैन नहीं है, और ये ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मणिपुर, असम, नागालैंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बनारस यूपी से हैं, कश्मीर से हैं, हिमाचल से हैं, और मध्य प्रदेश महेश्वर सिल्क लेके आए हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ मई में भी एक इवेंट लगाया था, इनमें से कुछ लोग पहले भी आए थे और उन्होंने फिर ये कहा कि साहब ऐसा एनकरेजिंग रेस्पॉन्स हमें कहीं नहीं मिला, तो जब भी दोबारा हमें मौका देंगे हम ज़रूर आएंगे। तो इसमें रिपीट कलाकार भी है, कारीगर है, जो अपना सामान और अच्छा बना के लेकर आए हैं, और पर्पस सिर्फ ये है कि उनको एक अच्छी मार्केट मिले। ये बेसिकली एक प्रोमोशनल इवेंट है, इसमें प्रॉफिट कंसिडरेशंस बहुत कम है, वो जितना खुद कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरफेस करते हैं तो वो उनकी प्रेफरेंसेस भी जानते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं आप इसको ऐसा बनाते तो और अच्छा रहता, तो वो फिर अपने प्रोडक्ट को उसी हिसाब से अडेप्ट भी करते हैं। तो बेसिकली पर्पस यही है कि उनको एक अच्छी मार्केट मिले और उनके प्रोडक्ट्स की प्रमोशन हो। इसमें कश्मीर से पश्मीना भी है, फिरेंस हैं, स्टोन पॉटरी है मणिपुर से, कोना ग्रास बास्केट्स हैं, महेश्वरी सिल्क है, बनारस के सिल्क है, नॉर्थ ईस्ट के ट्रेडिशनल वीव्स हैं, उनकी जैकेट्स हैं, उनके शॉल्स हैं, उनके द्वारा वूलन जो हैंड स्पन और हैंड वूमन प्रोडक्ट्स हैं वो हैं। तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आप लोगों के इस पब्लिसिटी से और लोगों को पता लगेगा, जागरूकता बढ़ेगी और इन लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग काफ़ी स्टेट का कल्चर यहाँ पर जी जी, इट इज़ अ इंटीग्रेटेड एफर्ट फॉर द कल्चरल नीड बेसिकली और फॉर देयर बेसिक यू नो प्रोडक्ट्स, इट्स अ ब्लेंड ऑफ मेनी अदर यूनिक प्रोडक्ट्स। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।